हेलो बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का है पॉलिनॉमियल, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद कहते हैं, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात आता है कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनॉमियल होता क्या है। नाम से लग रहा है कि बहुत सारे पद होने चाहिए। अगर इस प्रकार से हो, a0 + a1x + a2x² up to so on ऐसे लिखा हो, लास्ट में मान लिया हो an x to power n, तो ऐसा अगर कोई टर्म लिखे हुए हैं तो इसको हम बहुपद कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। एक खास बात, a0 a1 a2 an, ये जो भी लिखे हैं ये नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। और जो x लिखा है ये वेरिएबल है, वेरिएबल है यानी ये चर है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक्स है तो इसको कहेंगे एक चर वाले बहुपद, पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल। और एक खास बात, इसमें एक्स की जो पावर है वो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन देखिए जाए, ना तो माइनस में हो, मतलब एक्स अपान में नहीं होना चाहिए, पावर में नहीं, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये अंडर रूट वगैरह के अंदर ऐसे ना लिखा हो कि घन मूल वर्ग मूल ऐसे लिखा हो, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी एक्स की घात हो वो जीरो हो चलेगा, ना हो एक्स चलेगा, लेकिन एक्स की जो पावर हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 2 3 इस प्रकार से होना चाहिए। अब आता है पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। नाम से लग रहा है, हमने कहा एक्स यहां पर वेरिएबल है, तो जिसमें केवल एक्स होगा, मतलब मान लिया या ऐसे लिखा हो a0 + a1x + a2x² up to an x power n, तो ये एक चर है, इसमें केवल एक्स है। हाँ, वाई भी हो सकता है, मान लिया ये हो a0, a मतलब a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि a है तो a होना चाहिए, प्लस a1y + a2y² और इसी प्रकार से an y to power n। तो अगर ऐसे बहुपद लिखे होंगे, ऐसे पॉलिनॉमियल लिखे होंगे, तो ये कहलाते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, मैंने कहीं लिखा हो और आपसे कहा जाए ये बताइए कि ये बहुपद है, ये पॉलिनॉमियल है, तो पहली कंडीशन आपकी क्या होगी कि वहां पर एक्स की घात निगेटिव ना हो, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पदों की संख्या के हिसाब से, एक तो होता है बहुपदों के गुणांक क्या होते हैं, तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर आपकी एक्सरसाइज बनती है, वो ध्यान से समझिएगा। कोफिशियंट ऑफ पॉलिनॉमियल, कोफिशियंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल, बहुपदों के गुणांक, बहुपदों के गुणांक। देखो, नाम से लग रहा है गुणा में अंक, जो नंबर किसी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो, जैसे मैं आपसे कह दूं 3x², तो आपने देखा जो चर है, जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, एक्स की घात 2 है, और उसमें जो कांस्टेंट है वो उसका गुणांक है, ये इसका कोफिशियंट है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आएगा वो उसका कोफिशियंट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद पदों के हिसाब से इनके नाम है, जरा समझे उसको। इस चैप्टर का नाम मैं रब करता हूं, चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है, लेकिन चूंकि वर्ड टू वर्ड इसे ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है मोनोमियल, इसको कहते हैं हिंदी में एक पदी। पदी क्या होता है, अगर किसी भी बहुपद में केवल एक पद हो, ऐसे लिखा हो, तो इसको कहते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी कहते हैं। दूसरा बाइनोमियल, इनके नाम है द्विपदी, जिसमें दो पद हो, दो टर्म हो,
जैसे 7x स्क्वायर प्लस 5x। देखो यहां क्या लिखा उससे आपको मतलब नहीं है, प्लस जो साइन होता है ना वो टर्म को डिवाइड करता है, पदों को डिवाइड करता है। अगर मैं कहूं तो 3x ये दो है, जी नहीं वो एक कहलाएगा। जो प्लस माइनस होता है वो टर्म को डिवाइड करता है। ये प्लस लगा है, एक इधर एक इधर, तो दो पद है, इसको बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, त्रिपदी, जिसमें तीन पद हों। तो जैसे हमने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 8 और बढ़ा दें, तीन पद हो जाएंगे तो ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। और तीन से अधिक पद हैं तो चतुष्पदी भी होता है, पंच भी हो सकता है, लेकिन उसको हम बहुपद कह देते हैं। ये भी बहुपद है, ये सभी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन इनके एक पर्टिकुलर नाम दे दिए गए कि जिसमें एक टर्म हो तो उसको आप एकपदी कह दीजिए, मोनोमियल कह दीजिए, दो पदों को आप द्विपदी कह दीजिए, बाइनोमियल कह दीजिए, उनके नाम हैं। अब एक आता है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद की घात, हिंदी वाले अपना हिंदी वर्ड पकड़ेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दोनों उसको लेके चलेंगे। अगर इंग्लिश वर्ड का ज्ञान आपको हो जाता तो अच्छी बात है, आगे चल के आपको काम देगा। देखिए किसी भी बहुपद में, किसी भी पॉलिनोमियल में, हमने कहा एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स पावर थ्री भी हो सकता है, ठीक है, तो जो उसकी अधिकतम घात होगी वो उसकी घात कहलाती है। जैसे मैं 3x की बात करूं तो x की अधिकतम घात 1 है, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, यहां 2 है, अधिकतम की बात हो रही है, यहां 1 भी है पावर। अगर x लिखा है तो पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो जो अधिकतम पावर होगी उसको हम उसकी घात कहते हैं। घात के नाम पर उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। पहला होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब रेखा, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए जहां पर x की पावर अधिकतम 1 हो, अधिकतम 1 हो, ठीक है, जैसे मान लिया ये आ गया 3x प्लस 4, इसमें x की अधिकतम पावर क्या है, 1 है, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। 4 हो ना हो चलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल हम मान लिया यहां पर दूसरा एग्जाम्पल दे दें 4x, या हम तीसरा एग्जाम्पल दे दें 4y, तो एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, जो भी उसमें चर होगा, जो भी उसमें वेरिएबल होगा, उसकी अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात। देखिए सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसकी अधिकतम पावर 2 होनी, 2 हो। जैसे मान लिया मैं एग्जाम्पल इसका दे दूं कि 7x स्क्वायर, हमने कोई और टर्म नहीं लिखा है, तो ये 2 घात का है, इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे या द्विघात बहुपद कहेंगे। हाँ वो एक अलग की बात है कि ये एक पदी है, मोनोमियल है, लेकिन घात इसकी 2 है। हम चाहें तो इसमें 3x और लिख दें, इसमें 4 भी लिख दें, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, x की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यहां डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, यानी यहां की जो डिग्री होनी चाहिए अधिकतम वो 1 होनी चाहिए, और यहां जो अधिकतम डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यहां जो डिग्री होनी चाहिए अधिकतम, अधिकतम की बात हो रही है, वो 3 होनी चाहिए। हाँ 3 भी होगी, 2 भी होगी, 1 भी होगी, वो सभी टर्म हो चलेगा, लेकिन अधिकतम पावर जो है 3 होनी चाहिए। जैसे मान लिया ऐसा लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4,
तो ये तो 2 डिग्री अधिकतम है। अब मान लिया यहां पर 9x³ भी जोड़ दिया हमने, तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो हमने बताया बहुपद क्या होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर उसकी घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है। घात के हिसाब से अगर एक घात है, एक पावर है, एक डिग्री है तो रैखिक लीनियर कहलाता है, दो है तो उसे क्वाड्रेटिक द्विघात कहते हैं और क्यूबिक त्रिघात कहते हैं। इसी पर आधारित आपकी पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। किताबें सबके पास होंगी, उसको ध्यान से आप अपने सामने रख लें और ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को आगे मत बढ़ने दीजिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप उसको लगा लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आप आगे बढ़ा के वीडियो को क्लियर करें कि क्या आपने जो लगाया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि निम्न व्यंजकों में से कौन कौन एक चर के बहुपद हैं, कौन नहीं है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल ऑफ इन वन वेरिएबल। अभी हमने कहा है अगर केवल x के टर्म में होगा तो 1 है, केवल y के होगा तो 1 है। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन ध्यान से पढ़े कि कुछ बहुपद लिखे हैं और बताना है इसमें कितने वन वेरिएबल के हैं। अगर मैं इसका पहला एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल है 4x² - 3x + 7। अब कहते हैं बताओ ए, अच्छा ये वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे यस है। क्यों? क्योंकि इट हैज ओनली एक्स, इट हैज ओनली एक्स एज वेरिएबल, इसमें केवल, हां इसका उत्तर होगा इसमें केवल एक्स चर है, एक्स चर है। मैं एक में लिखे दे रहा हूं, रेस्ट में आपको लिखना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि है तो कारण बताइए आप भाई, यस नो तो आप आंसर दे देख सकते हो ना। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है y² + √2, इसमें क्या कह रहा है, आप कहेंगे ये भी यस है क्योंकि इसमें y केवल चर है। अभी एक दिमाग में बात क्लिक कर रही होगी, अभी हमने कहा था कि कहीं भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में एक्स वाई नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहां जो चर है, जो वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, जो भी लिखा है वो नहीं होने चाहिए, वो अपान में नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूट में 2 हो सकता है। तो ये भी आंसर क्या होगा, यस। आंसर क्या लिखेंगे, इट हैज ओनली वाई एज वेरिएबल, इसमें केवल वाई चर है। तीसरा देखिए 3√t + t√2, इन्होंने कहा बताइए ये वन वेरिएबल है कि नहीं है, आप कहेंगे है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल t है, लेकिन एक लफड़ा है t रूट के अंदर आ गया, तो आप लिखेंगे नो। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रूट टी आ गया। जब बहुपद ही नहीं है, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो भी वेरिएबल की बात ही नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, y + 1/y, इसका भी आंसर नो हो रहा है क्योंकि अपान में आ गया, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन 1/y, इट कंटेन डिग्री ऑफ y नेगेटिव, यहां y की डिग्री नेगेटिव है, अगर 1/y को ऊपर ले जाओगे तो ये y इनवर्स हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है मतलब वो बहुपद में नहीं हो सकता है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, x^10 + y^3 + t^50। अब आप कहेंगे बहुपद तो है, ये पॉलिनोमियल तो है, बट इसमें वन वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और टी तीन वेरिएबल है, तो आप लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज अ
पॉलिनोमियल विद थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल आप लिखेंगे, यह तीन चर वाला बहुपद है। तो जो आपका आंसर है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि उन्होंने आपसे यह नहीं कहा कि पॉलीनोमियल है कि नहीं है, उन्होंने कहा बताओ इनमें से कौन से एक चर वाले हैं, ठीक है, एक पद एक टर्म जिसमें हो, केवल वाई हो, कोई केवल एक्स हो उसमें। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो लैंग्वेज सब क्वेश्चन की सेम है, मतलब क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उनकी लैंग्वेज सेम है, ध्यान से उसको करिएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। दूसरे का फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज में एक में लिखूंगा। देखिए गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, गुणे में अंक कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर साथ क्या लिखा है 1, तो आप लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1, इस सब में लैंग्वेज लिखी जाएगी। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसी में हम बढ़ाएंगे अलग अलग पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब बताइए यहां एक्स स्क्वायर साथ क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, तो यहां माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट पाई बाई टू एक्स स्क्वायर, पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां एक्स स्क्वायर का क्या है पाई बाई टू, यहां कोफिशियंट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो इसका है, ये बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए हम इसी में बार बार रब कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट जो इसका है वो कह रहा है रूट टू एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर यहां है ही नहीं, जब है ही नहीं तो आप क्या लिखेंगे, है ही नहीं, उसका कोफिशियंट क्या होगा 0, जो टर्म नहीं होगा उसका कोफिशियंट 0 होगा। तो ये सेकेंड पार्ट का आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, थर्ड कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण बताइए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है आपसे थर्ड का पार्ट में, कहता है 35 घात का द्विपद बताओ, यानी कि दो टर्म होने चाहिए और x की अधिकतम पावर 35 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3x पावर 35 प्लस 4, कुछ भी लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दो टर्म होने चाहिए, x की अधिकतम पावर 35 होनी चाहिए। अब आप कहेंगे साहब मैं तो x को पसंद नहीं करता, मैं तो y लिखूंगा, y लिख दीजिए आप। उन्होंने ये कहा है कि भाई 35 घात होनी चाहिए, घात यानी पावर होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, डिग्री किसी पे चढ़ाओ, x पे चढ़ाओ, y पे चढ़ाओ, t पे चढ़ाओ, लेकिन दो टर्म होनी चाहिए और 3-4 आप डिसाइड करिए। ये बाइनोमियल है, ये क्या है बाइनोमियल है, यानी कि ये द्विपद है और इसमें घात क्या है 35, और कह रहे 100 घात का एक पद लिखो, तो x घात 100 लिख दो। अब यहां चाहे 4 लगा दो 5 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 100 होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए, तो ये आपका मोनोमियल हो गया, यानी एक पद ही हो गया, एक पद हो गया, एक पद ही हो गया, और अधिकतम पावर इसकी 100 है। 4 लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 100 लिखो चाहे जो लिखिए आप, ठीक है।
इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कुछ बहुपद लिखे हुए हैं, उनकी घात लिखनी है। मैं बहुपद लिखता हूं और उनकी घात लिखता हूं। देखिए पहला पार्ट देखिएगा, पहला पार्ट है आपका, इसका नाम दिया है इन्होंने पी एक्स, फाइव एक्स टू पावर थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स। अब बताइए यहां पर x की अधिकतम पावर कितनी है? आप कहेंगे थ्री है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? थ्री। यानी इसकी जो घात होगी, जिसको कि इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी? थ्री। अगला देखिए सेकेंड पार्ट, इसमें केवल डिग्री लिखनी है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां पर, इसका डिटेल आपको टेंथ में मिलेगा। ये इसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, वो कौन है? एक्स है। अगला पार्ट किया इन्होंने पी वाई इज इक्वल टू फोर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर डिग्री कितनी है? टू। तो यहां लिखेंगे डिग्री घात कितनी है? टू। वाई की अधिकतम पावर कितनी है? टू। हमें फोर से कोई मतलब नहीं, जो अधिकतम घात है वो लिखिएगा। जैसे यहां अधिकतम पावर थ्री है, टू भी है, वन भी है, वो नहीं लिखना आपको। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कह रहा है, इसका नाम दिया है एफ टी, फाइव टी माइनस रूट सेवन। इसका नाम दिया है एफ टी, फाइव टी माइनस रूट सेवन। अभी हमने कहा था रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहा कि अगर कोई टर्म एक्स के टर्म में है, जो उसमें चर है, वो रूट में नहीं होना चाहिए, नियतांक हो सकता है। तो यहां अधिकतम घात कितनी है? वन। इसकी जो घात होगी, जिसको कि डिग्री कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी? वन। इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हिंदी वाले लिख सकते हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। फोर्थ पार्ट कह रहा है थ्री, थ्री इसमें एक्स है ही नहीं, तो डिग्री जीरो हो जाएगी। तो इसकी जो डिग्री होगी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये आपका सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद आता है फिफ्थ में, कहा गया है कुछ इन्होंने बहुपद दिए हैं, उसमें बताते हैं रैखिक कौन है, लीनियर कौन है, द्विघाती कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, और क्यूबिक त्रिघाती कौन है। घात लिखनी है, यहां दिया था डिग्री लिखनी थी, अब वो आपको डिग्री पहचाननी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, डिग्री के हिसाब से उनके नाम पहचानने हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है जिसकी घात वन वो लीनियर, जिसकी डिग्री टू वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री थ्री वो क्यूबिक। ठीक है, देखिए फिफ्थ का क्वेश्चन, पहले आप सभी नाम लिख दें, फिर हम उसके नाम लिखते हैं। फिफ्थ का देखो पहले में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड में क्या लिखा है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। फोर्थ में लिखा है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर। फिफ्थ में लिखा है, सॉरी ये थर्ड है, फोर्थ में लिखा है वन प्लस एक्स। फिफ्थ में लिखा है थ्री टी। सिक्स में लिखा है आर स्क्वायर। सेवेंथ में लिखा है सेवन एक्स क्यूब। देखिए इसमें कहा गया लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इसकी घात है टू, तो ये हमने क्या नाम दिया है, क्वाड्रेटिक है ये। क्या है? क्वाड्रेटिक। इसको क्या कहते हैं? द्विघाती। ये पहला पार्ट हो गया। इसमें देखिएगा इसकी घात कितनी है, डिग्री कितनी है? थ्री। तो ये क्या होगा? क्यूबिक त्रिघाती। इसमें अधिकतम पावर कितनी है? टू। क्या होगा? क्वाड्रेटिक द्विघाती। इसमें क्या होगा? वन डिग्री है, लीनियर रैखिक। अभी हम थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग हमने किया था वीडियो की, तब मैंने नाम बताए थे, वहां पर ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। इसकी घात कितनी है? वन। तो क्या होगा? लीनियर रैखिक। यहां पर क्या है? दो, यानी कि क्वाड्रेटिक।
द्विघातीय, यहां पावर कितनी है तीन, यानी कि क्यूबिक त्रिघातीय। समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म हुई, सो कर लीजिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।